ग्यारहवां प्रश्न, आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि ये कंडीशन पूरी हो रही है तो। देखिए अगर साधारण संख्या होगी होती तो हम इधर भाग देके निकाल लेते, लेकिन ये आव्यूह है, या तो इसका इन्वर्स निकालें, इन्वर्स का दोनों ओर गुणा कर दें तब x का सीधा मान आएगा, अथवा एक और तरकीब है कि हम जो आव्यूह दिए हुए हैं उनसे उनकी कोट की मदद से x की कोट निकाल लें। जैसे इसकी कोट हमारी 2y3 है और इसकी भी 2y3 है, तो इसकी कोट क्या होनी चाहिए? हम जानते हैं दो आव्यूहों का जब हम गुणा करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि गुणा तभी होगा जब ये बराबर होंगे इंटरनल पार्ट, और ये मिलाकर के जो रिजल्टेंट आव्यूह होता है उसकी कोट बनाते हैं। निश्चित रूप से देखिए जो c आएगा उसकी कोट क्या होगी, m by n होगी, यानी m by n, तो ये 2/2 होना चाहिए, इसकी कोट 2/2 होना चाहिए। देखिए ये बराबर हो गई और a, इन दोनों ने इसकी कोट बनाई है, तो 2/2 का एक आव्यूह मान सकते हैं जिसके एलिमेंट ए बी सी डी मान लें, गुणा कर लें और बराबर रख दें, संगत आव्यूहों की संगत आव्यूहों की तुलना करें, समीकरण हल करके ए बी सी डी के मान आ जाएंगे और एक्स का हमें मान मिल जाएगा। तो एक्स की कोट बराबर होगी 2/2, माना x बराबर a b c d, मतलब 2/2 का हमने कोई आव्यूह मान लिया अपनी तरफ से, a b c d इंजर्ट कर दिए इसमें। अब हम गुणा करेंगे प्रश्न अनुसार, x का मान रख देंगे a b c d, और आगे ये 1 2 3 4 5 6 आगे -7 -8 -9 2 4 6 ये हम गुणा करेंगे, संगत आव्यूहों की तुलना करेंगे, a प्लस फोर बी प्लस 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b ऐसे ही, c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d बराबर किसके आएगा, -7 -8 -9 और 2 4 और 6 संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, ये इसके ऐसे ही नीचे बराबर ये हुआ, हमें 6 समीकरण मिलेंगे। हमारे पास अज्ञात राशियां हैं केवल ए बी सी डी 4, तो 6 समीकरणों में जो उपयुक्त समीकरण उन्होंने वो इसे 4 समीकरण हल करने पर हमें हमारा ए बी सी डी का मान मिलेगा, फिर आव्यूह बन जाएगा संगत अवयवों की तुलना करने पर। ये संगत अवयवों की तुलना करके हमें 6 समीकरण मिले हैं। ए और बी में पहला और दूसरा समीकरण है, इन्हें हल कर लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को 2 का गुणा करके घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 -1 × 2 से, तो ये 2 पहले लिख लेंगे, 5b बराबर -8, 2 का गुणा करेंगे 2a प्लस 8b बराबर -14,
घटाना है, चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा, कुल मिलाकर के माइनस 3b बराबर ये हो जाएगा 6, तो b बराबर -2। b का मान समीकरण एक में रखेंगे, b का मान समीकरण एक में रखने पर तो a प्लस 4 गुणा माइनस 2 बराबर 7, a प्लस 4 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस 7, a माइनस 8 बराबर माइनस 7, a बराबर हुआ 8 माइनस 7 यानी कि 1। a और b मिल गया है। ऐसे ही हम समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 माइनस 4 गुणा 2c। तो पहले 5 लिखते हैं, 2c प्लस 5d बराबर 4, और 2 का गुणा करेंगे, 2c प्लस 8d बराबर 4, घटा देंगे, चिन्ह बदलेंगे, कुल मिलाकर ये कटेगा, माइनस 3d बराबर 0, d बराबर 0। अब d का मान समीकरण 4 में रख देंगे, किसी में भी रख सकते हैं, 5 में भी रख सकते हैं, रखने पर